एक बहुत ही क्यूट लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्यूट और मैं, क्यूट और आप है ना, योर ड्रेसिंग सेंस इज टू गुड। ओके, अगर इन्होंने कहा है तो मान लें, वरना मेरी बात नहीं सुननी। सही है। क्या कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अपना पूरा नाम बताएं हमारी ऑडियंस। मेरा पूरा नाम है, पूरा नाम क्यों बताना है, सिर्फ मेरा एक ही नाम है, दैट वन इज चांदनी। चांदनी, चांदनी चौक टू चाइना। ना, चांदनी जो सबको रोशनी देती है, सबको रोशनी देती है। अच्छा चांदनी, आप काफ़ी फेमस हैं यूट्यूब पे भी, आप काफ़ी इंटरव्यूज़ करती हैं लोगों के, कितने प्रपोजल्स अभी तक आ चुके हैं? ऑनेस्टली अगर मैं पूछूँ कि नहीं आते? नहीं, मुझे नहीं आते। नहीं आते, क्यों नहीं आते? ऐसे ऐसे लोगों से कौन प्यार करता है यार? क्या मतलब हुआ इस बात का कि ऐसे लोगों से कौन प्यार करता है? क्यों आपने ये बोला? यार देखिए, द वुमन हु इज़ बोल्ड या एंड हु इज़ कॉन्फिडेंट, मर्द उसको कभी पसंद नहीं करता, ये सबसे बड़ी बात होती है। और चाहिए, हाँ, उसको चाहिए एक नज़ाकत वाली खातून जो कमज़ोर सी हो, जो हर टाइम पीछे पीछे रहे और कहे जी हजूर, जी सरताज, जो आप कहें वही करूँगी, वो वाली मैं नहीं हूँ। सही है। तो लेकिन यार बोल्ड लड़कियों को भी काफ़ी लोग पसंद, हाँ एग्जैक्टली, बोल्ड लड़कियों को वही पसंद करते हैं जिनकी बोल्डनेस को हैंडल कर सकते हैं, जिनकी सारी बात सोच की है, सोच की बात होती है, बोल्ड थिंग और सोच की बात है कि अगर आपकी सोच अच्छी है एंड आप थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचते हो एंड आप खुद थोड़ा बोल्ड होकर सोचते हो, तब आपकी एक्सेप्टेंस की बात होती है कि आप कितना किसी को एक्सेप्ट करते हो। तो जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, आप किसी को मतलब कि इतनी जल्दी पसंद नहीं कर सकते हो, ना उसके साथ रह सकते हो, और बर्दाश्त करना, एंड शुड हैव पेशेंस। ठीक है, आपको कैसा लड़का चाहिए? जिसको गाना आता, जिसको खाना पकाना आता, जिसको रोमांस अच्छा आता। ला ने मुझे पूछा, मैंने बता दिया। पहली बात, गाना अच्छा आना चाहिए, यानी कि कोई सिंगर होना चाहिए। दूसरी बात आपने बोली क्या? खाना अच्छा, खाना अच्छा, कुक भी होना चाहिए। तीसरी बात ये कि रोमांस भी बहुत अच्छा करने वाला हो। अब लड़की की डिमांड्स टू हाई, मतलब अनबीटेबल, तीनों चीजें ऐसी। टू गेट समथिंग यू हैव टू एम हाई, मैंने बहुत हाई। अब कोई नहीं ऐसा मिलेगा। और आपको लगता है कि ऐसा इंसान मिल जाएगा जो ये तीनों चीज़ें बीट करेगा? एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे लगता है ढूंढ चुके हैं, बता नहीं रहे। नहीं यार, ढूंढा नहीं है, अगर ढूंढा होता तो मैं यहाँ होती। हाँ चलो, ये भी है। कोई अच्छा सा गाना सुना दे। हाँ, कोई अच्छा सा गाना, अच्छा सा गाना यार, कोई भी गाना सुना दे, अच्छा क्या बुरा क्या। ओके, अच्छा सा गाना यार, गाना सुनाने के लिए मुझे माइक पकड़ा दिया, मेरी वॉइस इतनी बुरी है। कोई बात नहीं, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, के हम दो दिलों ने के मिलके कहा ये ना होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये क्या बात है आज की चांद, चांदनी में ही वैसे। के हम खो गए प्यार की रागनी में, बस इतना ज्यादा। बहुत अच्छा, बहुत बुरी आवाज नहीं है, बहुत बुरी बुरी नहीं है, सॉरी सॉरी, अपने वर्ड्स वापस लेते हैं, बुरी आवाज नहीं है। ठीक है, मुझे बताएं कि आपकी ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे सब दुनिया वाले चलते हैं? अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज़ द कॉन्फिडेंट। लोग समझते हैं कि अगर ये कॉन्फिडेंट तो ये ओवर कॉन्फिडेंस होकर बात कर रही है, हालांकि ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप में, यही चीज़ दूसरों को ज़्यादा बुरी लगती है। एंड आई हैव अ स्माइलिंग फेस। ठीक है, तो रिश्तेदार भी इसी बात से चलते हैं? या वो यही बात करते हैं कि आप हर टाइम मतलब कि इतना कैसे मुस्कुरा लेते हो, हालांकि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हर चीज़ चल रही होती है। तो यार पहली बात ये कि हम क्यों किसी के सामने ढिंढोरा पीटे कि हमें इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वो कहते हैं ना कि जस्ट बर्न देम विद योर स्माइल एंड बरी देम विद योर सक्सेस, ये चीज़ होती है। स्माइल इज द बेस्ट मेकअप फॉर गर्ल्स। एग्जैक्टली। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस आपके वक्त का। थैंक यू।